जय श्रीमन्नारायण मित्रों, राधे राधे। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरी गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शंकर भगवान की जय। स्वागत है आपका एस्ट्रो मनीष पंडित चैनल में। सर्वप्रथम उन भगवान महादेव के चरणों में नमन, जिनकी ज्योतिर्लिंगी कथा में आपको श्रृंखला से सुना रहा हूं। सूजित से ऋषि पूछने लगे कि हे महाराज, आपने दित्य ज्योतिर्लिंग तक की कथा में सुनाई, अब हमारे मन में तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने की बात है। सूर्य जी कहते हैं, धन्य हूँ मैं जो आप जैसे ऋषियों का मुझे सत्संग मिला। अब मैं आपको तृतीय ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ, जिनका नाम है महाकाल। अवंतिकापुरी नगरी, जिसका नाम आज उज्जैन है, उसमें एक सुंदर तपस्वी वैदिक ब्राह्मण रहता था, जिसके चार पुत्र थे। पुत्रों के नाम विप्रिया, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। ये चारों पुत्र और पिता वैदिक अनुष्ठान करना, अग्निहोत्री हवन करना, यही इनका नित्य काम था। ये भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हुए। प्रतिदिन इनका नियम था शंकर जी की पूजा करना, आराधना करना, और इसी गुण के कारण अवंतिकापुरी में इतना तेज बढ़ने लगा कि अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी प्रकाशमान होने लगी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का भयंकर आसुर हुआ, जिसने ब्रह्मा जी से अत्यंत अधिक वरदान प्राप्त कर अवंतिकापुरी पर चढ़ाई कर दी। सभी लोग भयभीत होने लगे, ब्राह्मण बंधु, लेकिन ये जो ब्राह्मण बंधु थे वो उस दैत्य से भयभीत नहीं हुए। लोगों को समझाया कि आप इससे भयभीत ना हो, हमें भगवान शंकर की शरण में चलना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, वही है हमारे काल को पाप को हरे। असुर के क्रोध के कारण चारों तरफ सिर्फ असुर ही असुर पैदा हो गए। सेना सहित इस दूषण नाम के असुर ने जब उन चार ब्राह्मण बंधुओं को देखा तो तुरंत कहने लगा, मार दो काट दो। ब्राह्मणों ने पूजा में मग्न होने के कारण उस दैत्य की आवाज सुनी ही नहीं। दैत्य जैसे ही मारने के आए, जिस पार्थिव शिवलिंग का वह पूजन कर रहे थे वहीं से एक खड्डा प्रकट हुआ और स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उस गड्ढे में से जो तत्काल शिवलिंग प्रकट हुआ वही महाकाल के नाम से विख्यात हुआ। वही महाकाल दुष्टों के विनाशक, सत्पुरुषों के अन्नदाता है, आश्रय दाता है। भगवान महादेव कहने लगे, ऐ दुष्ट दैत्यो, मैं तुम्हारे ही लिए ही महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ, ही कहा। और ऐसा कहते ही ऐसी हुंकार भरी भगवान शंकर ने कि सेना सहित दूषण भस्म हो गया, उनके द्वारा मारी गई और कुछ भस्म हो गई। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान शंकर को देखकर सारी सेना अदृश्य हो गई। देवता दुंदुबिया बजाने लगे, ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया। भगवान शंकर कहने लगे, मांगो विप्रो, आप क्या वर मांगते हो? द्विजों ने कहा, प्रभु हम क्या मांगे, आप हमें देना ही चाहते हैं, तो आप तो हमें मोक्ष प्रदान करें और यह वरदान दीजिए कि जो भी आपका दर्शन करे उसके सब पाप क्षीण हो जाए और वह व्यक्ति भव से पार हो जाए। यही महाकाल भगवान आज भी उज्जैन के अंदर विराजमान हैं, जिनका दर्शन मात्र से व्यक्ति का संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। जिन भी व्यक्तियों के काल सर्प है या पितृदोष है, किसी भी प्रकार का नवग्रह संबंधी कोई दोष है, तो वर्ष में एक बार सिर्फ, अधिक ना हो सके तो, अगर आप जाना चाहें तो प्रतिदिन जा सकते हैं, हर महीने जा सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार वर्ष में महाकाल भगवान शंकर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आज मैंने आपको
तृतीय ज्योतिर्लिंग महाकाल का वर्णन सुनाया है। इनकी महिमा कहाँ तक है मैं अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता, ब्रह्मा आदि भी इनके रूप को नहीं जान सकते। अगर आपको निरंतर ऐसी ही कथाएं सुननी हैं, ज्योतिष उपाय चाहिए, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री मन्नारायण, राधे राधे, ओम नमः।